अब आज जो लड़ाई एक तरह से हम कहते हैं कि दूसरी ये आज़ादी की लड़ाई है, 400 के पार जो बात हो रही है किस लिए हो रही है, क्योंकि इनको अलग अलग जो इनका एजेंडा है वो पूरा करने के लिए उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बदलना ही है। और अभी तो आप देखिए तो लोकशाही बिल्कुल ख़त्म हो गई है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, विरोध का अधिकार नहीं है। तो ये अमित शाह एक्चुअली नरेंद्र मोदी के साथ जो जोड़ी है इनकी अमित शाह की, तो वो भी उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इनके फंड्स भी अनयूटिलाइज पड़े हैं, तो ऐसा कोई उन्होंने गुजरात के लिए या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ बहुत काम कर दिया हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेनली तो लोकल मुद्दे से ज़्यादा जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं और ख़ास करके जो हमारी जो वैल्यूज़ है जिसके आधार पे हमारा संविधान बना हुआ है, सेक्युलरिज्म है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये सारे मुद्दे जो उनको रिकग्नाइज ही ये लोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए उन लोगों के सामने लड़ना ज़रूरी है। और मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि इस समय ये गवर्नमेंट जाने वाली है और इससे बहुत बड़ा चेंज होगा।